नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल यानी बुधवार को इंदौर में हुए समारोह में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के 56 अवार्ड प्रदान किए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। उज्जैन एसपी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। पीड़ित लड़की के उत्तर प्रदेश के होने की संभावना है। भोपाल में एयरपोर्ट रोड की दाता कॉलोनी स्थित वर्धमान नगर में जैन मंदिर से रविवार सोमवार की दरमियानी रात को दो बदमाशों ने चांदी का छत्र, सिंहासन और अष्ट धातु से बनी तीन मूर्तियां चोरी कर ली थी। चोरी किए गए माल की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई। इस मामले में पुलिस 3 दिन बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं जुटा सकी है। ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शहर में आ गई है। अभी इंदरगंज चौराहा से जन आक्रोश यात्रा पाटन कर बाजार की ओर बढ़ रही है। जन आक्रोश यात्रा के रथ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व सांसद विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर चंबा के सह प्रभारी शिव भाटिया, स्थानीय नेताओं में महापौर शोभा सिकरवार, अशोक सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का किया शिलान्यास और कहा कि न्यायपालिका में भी हो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9% और हाईकोर्ट में सिर्फ 14% हैं महिला जज हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण देश के लिए आवश्यक है। राजनीति में 33% महिला आरक्षण क्रांतिकारी कदम होगा। देश भर में पेशाब कांड के बाद भाजपा की सीधी विधानसभा चर्चा में है। इस घटना के बाद से ही भाजपा में विधानसभा टिकट के लिए तमाम दावेदार दावेदारी कर रहे थे। कुछ ने तो पूरी तरह से मान लिया था कि टिकट पक्की है। सोमवार की रात आई सूची ने भाजपा में ही खलबली मचा दी है। ऐसे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, जिनका पत्र इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। एमपी रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आगामी माह में विधानसभा चुनाव संभावित हैं, कभी भी इसके संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। अपराधियों की धरपकड़ से लेकर तराई व बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद घुड़सवारी में भारत को गोल्ड मिला है। दरअसल घुड़सवारी में भारतीय चौकड़ी ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों की मिश्रित रेसिंग टीम स्पर्धा में मंगलवार को इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारतीय घुड़सवारों ने 4 दशक का स्वर्णिम सूखा खत्म किया और 1982 के बाद इस स्पर्धा में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मध्य प्रदेश में रहने वाले किसान की 17 वर्षीय बेटी नेहा ठाकुर ने छोटी सी उम्र में मंगलवार को एशियन गेम्स 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन किया और चीन के हांगझाऊ में निंगबो में एनबीएक्स सेलिंग सेंटर में गर्ल्स डिंगी ISCA 4 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सेलिंग श्रेणी में 11 दौड़ के बाद स्पर्धा का स्वर्ण थाईलैंड की नोपोर सोर ने खुनबुन जान ने जीता। बता दें कि नेहा ठाकुर मध्य प्रदेश के देवास जिला स्थित अमलताज गांव में रहने वाले मध्य वर्गीय परिवार की बेटी हैं। सतना में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 5 अपराधियों को 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर एवं एक आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।